नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ओके, आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, आप दीवार पे कौन सा पेंट करते हैं जिससे हम लोग आर्टवर्क बनाते हैं दीवारों पे। तो आज मैं उसी के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि हम लोग दीवार पे पेंटिंग करने के लिए एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट कौन सा पेंट यूज़ करते हैं। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं वॉल पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ओके, चलो मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग कौन से पेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्रेलिक पेंट के बारे में, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो आता है फेविक्रिल का, ये वाला आप देख सकते हैं, ये फेविक्रिल का है और ये एक्रेलिक पेंट, इस पे लिखा हुआ है एक्रेलिक पेंट्स, एक्रेलिक कलर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाले कलर्स हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये अच्छे होने के साथ साथ इनकी जो जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी कलरफुल आती है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें आप कोई भी शेड ले सकते हैं और ये एक आधा लीटर का डिब्बा है, ठीक है। और ये करीब करीब 300 रुपये के करीब आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाएंगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाले कलर हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं पेंटिंग्स पे, वॉल पे बनाने के लिए। और जो शुरुआत कर रहे हैं और बिगनर हैं जिनके पास अभी बजट नहीं होता इतने बड़े डिब्बे लेने के लिए, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, एक ये साइज़ के आते हैं फेविक्रिल के, जिन ये वाले साइज़ के हमने ये अलग से प्लास्टिक के डिब्बे लिए हैं। हम लोग मोस्टली छोटे डिब्बे यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा आर्टवर्क का काम ज़्यादा होता है और हम लोग आधा लीटर से कम नहीं लेते। तो ये करीब करीब 100 ml का होता है। आप इस तरह के डिब्बे ले सकते हैं, फेविक्रिल के मिल जाएंगे। अगर आपको किसी स्टेशनरी शॉप से नहीं मिलेंगे तो आप किसी बड़ी पेंटिंग या आर्ट क्राफ्ट की जो शॉप रहती है वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजोन या किसी और फ्लिपकार्ट वगैरह वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो ये 100 ml के हैं और ये आते हैं 110 रुपीज़ के करीब रिटेल में, ठीक है। और मैं लेकिन ये सजेस्ट करूँगा जो बिगिनर हैं कि कम से कम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटी से छोटी डिब्बी, यानी कि इतने साइज की भी मिलती है एक्रेलिक पेंट की, आप ये भी ले सकते हैं और इनसे भी अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एक पेंट और यूज करते हैं जो कि हमें बहुत बड़ी दीवार पे यूज करना पड़ता है, और ये पेंट भी बहुत अच्छा आता है। ये एशियन पेंट का प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, आपको पता होगा इसके बारे में। ये काफी मशहूर एशियन पेंट का प्रोडक्ट है। इसका नाम है रॉयल रॉयल लग्जरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल। और ये एमल्शन पेंट होता है। जो अमल्शन पेंट होते हैं वो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं, इसमें किसी तरह का ऑयल या थिनर वगैरह की जरूरत नहीं होती, और ये सूखने में भी जल्दी सूख जाते हैं, और इनकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हम लोग ये भी यूज़ करते हैं और अक्रैलिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन अक्रैलिक पेंट जो होते हैं, ये वाले जो पेंट होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले नंबर पे रखते हैं क्योंकि इनकी जो फिनिशिंग और जो इसकी वाइब्रेंट कलर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये सब बता दिया, और मैं इसके बारे में एक डिटेल में बात बताना चाहता हूँ। रॉयल लग्जरी पेंट मोस्टली वाइट शेड ही लेना आप, वाइट शेड। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप किसी दुकान वाले से वाइट शेड मांगेंगे तो आपको वो जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मोस्टली बेस पेंट रखते हैं जिनमें स्टेनर्स वगैरह डाल के वो कंप्यूटर से कलर बनाते हैं। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें वाइट 200 ml में कहाँ से मिल सकता है। ये 200 ml है, और ये भी एक इशू है कि ये भी 200 ml हर दुकान पे नहीं मिलता, ये किसी बड़ी पेंट शॉप पे एशियन पेंट का जो माल बेचते हैं उनके पास से मिलता है, ठीक है। और आप चाहो तो 200 ग्राम से कम तो आता नहीं है, इतने साइज का लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पेंट है प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ये 200 ग्राम का पेंट करीब करीब 150 रुपये के करीब में मिलता है, 150 रुपीज़। और ये जो है 100 ml के करीब जो रहता है इसका प्राइस, वो 110-120 के बीच में रहता है, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला रॉयल, ठीक है, आप इसमें ले लीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि व्हाइट लेंगे तो कलर कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप 200-200 ग्राम के अलग अलग शेड्स भी बनवा सकते हैं कंप्यूटर से, कार्ड शेड कार्ड से आप चूज कर लीजिए और अलग अलग आप बनवा लीजिए, ठीक है।
और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप 200 200 ग्राम के ये अलग अलग शेड बनवाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो आप दूसरा ये वाले स्टेनर्स आते हैं, सॉरी ये वाले स्टेनर्स आते हैं, ये पीडी लाइट का है जिसके हम लोग फेविक्रिल कलर लेते हैं, ये उसी कंपनी का स्टेनर आता है। आप इसमें बहुत सारी शेड्स ले सकते हैं, ठीक है। ये अभी आई थिंक येलो है, फास्ट येलो, और आप बहुत सारी शेड्स ले सकते हैं और इसके बीच इसको मिला के थोड़ा सा शेड बना सकते हैं। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ जो बिगनर हैं कि आप सारा कलर मत मिलाना, आप थोड़े थोड़े शेड बना सकते हैं। जैसे ये 200 ग्राम है, इसमें अगर पानी डालने से करीब करीब 300 ग्राम तो बन ही जाता है, जितनी हमें थिकनेस चाहिए रहती है 300 ग्राम बन जाता है। 300 ग्राम के आप 100 100 ग्राम के पोर्शन कर लीजिए और येलो ऐसे रेड ये चीज़ें उनमें मिला के आप शेड बना सकते हैं, और ये ज़्यादा नहीं मिलाना। आप ये बात मान के चलिए ये 100 ml है तो कम से कम आधा पौना लीटर में पूरा शीशी लगता है, और आप 100 ml में मिलाएंगे तो आपको कितना लगेगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो शेड हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप अक्रैलिक के अल्टरनेटिव, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें पता चल गई होगी कि हम लोग कौन से पेंट यूज़ करते हैं। ये सारा काम हम इंटीरियर में करते हैं उनके लिए है, एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर पेंट एशियन के आते हैं, आप बाज़ार से पता कर सकते हैं, जैसे पैक्स अल्टिमा जैसे पेंट आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उनको भी अपने आउटडोर वॉल पे प्रैक्टिस के लिए या फिर आउटडोर किसी कस्टमर का काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप 1 लीटर से कम नहीं आता है पैक्स अल्टिमा, वो फिर बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही इन चीज़ों में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे भी बड़ा प्रोजेक्ट आउटडोर वॉल पेंटिंग का रहता है, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन है घर पे, घर के अंदर जो हम लोग पेंटिंग करते हैं और कस्टमर कहता है हमें उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन चाहिए, जो उसको हम लोग लैमिनेशन भी बोल सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरह के स्प्रे कैन, इनको आप क्लियर मैट या मैट क्लियर जहाँ कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और यूज़ करने में काफ़ी आसान होती है। वैसे तो मेलामाइन, पीओ कोटिंग और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेलामाइन हो गया, पीओ कोटिंग हो गया, लाइकर हो गया, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर लेमिनेशन करने के काम आती हैं। लेकिन मैं आपको ये वाले जो कैन रहते हैं इनको सजेस्ट करूँगा, इनको आप शेक करके कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ये इसमें से निकल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आप छोटी छोटी दीवारों पे, जैसे वो कोई 5x5 की दीवार है छोटी सी, या 8x8 की, या 10x10 की दीवार भी है 100 square feet की, उसके ऊपर भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं आप, इनके साथ उनको लेमिनेशन कर सकते हैं। इनको क्लियर मैट या फिर क्लियर कोटिंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत सारी कंपनीज की आती हैं, ये ब्रस्ट्रो की है और ये काफ़ी इम्पोर्टेड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये मोस्टली मैं एक्रेलिक कैनवस पेंटिंग पे ही यूज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ पता चल गया होगा कि हम लोग कौन कौन से पेंट यूज़ करते हैं। ब्रशेस के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर अपना आई बटन दे दूँगा, आप देख लीजिए, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।